नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे राज का राज, और इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। इस पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। उफ, मैं अपनी सारी इच्छाधारी शक्ति लगाने के बावजूद भी अपने रूप में नहीं आ पा रहा हूँ, और जब तक मैं इस कण रूप में रहूँगा तब तक ना तो मैं किसी को दिखाई पड़ सकता हूँ और ना ही किसी से संपर्क कर सकता हूँ, अपने नागों तक से नहीं। और ऐसी स्थिति में रहकर इस रहस्यमय राज को रोकना तो एकदम असंभव है। राज, तुम यहाँ पर मुझसे पहले कैसे पहुँच गए? तुम? हाँ, याद आया, तुम तो निशा हो, मेरी ऑफिस में ही काम करती हो। वैसे अगर मैं यहाँ पर ना पहुँचता तो इस रिएक्टर पर काबू कौन पाता? ये रिएक्टर कौन है? यूरेनियम का चोर, इसी ने कई परमाणु संयंत्रों से यूरेनियम को चुराया था। पर तुम लोग पीछे रहना, इसके शरीर से तेज विकिरण निकल रहा है, उससे तुम लोगों को खतरा पहुँच सकता है। और तुमको खतरा नहीं पहुँचेगा? ये कैसे हो सकता है? तुम भी तो हमारी तरह ही एक इंसान हो। मैं इंसान हूँ? मैं राज हूँ, राज, सर्वशक्तिमान राज। लेकिन हमको तो खबर मिली थी कि एक अजीब सा आदमी नागराज का पीछा करता करता इस दिशा में आया था। फिर नागराज कहाँ गया? नागराज इसके वारों को सह नहीं सका। उसने बचने की कोशिश तो बहुत की, पर रिएक्टर के एटॉमिक ब्लास्ट ने उसके शरीर को ही एटमों में बदल दिया। मर गया नागराज। ये नहीं हो सकता, नागराज को रिएक्टर जैसे शक्तिशाली भी नहीं मार सकते। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ क्यों बोलूंगा निशा? जब नागराज थोड़े दिनों तक दुनिया के सामने नहीं आएगा तो तुमको अपने आप ही सच्चाई का पता चल जाएगा। चलो, अगर तुम्हारी इस बात पर यकीन कर भी लिया जाए तो ये कैसे संभव है कि जिस प्राणी ने नागराज को अणुओं में बदल दिया उसे तुमने हरा दिया? जो संभव होता है वही आंखों से दिखता है निशा, और जो आंखों से दिखता है वही सच होता है। देख लो, मैं यहाँ पर हूँ और नागराज नहीं है। तुम तो एक पामेरियन कुत्ते के भौंकने तक से डर जाते थे राज। तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि तुम रिएक्टर का सामना कर सको? और तुम यहाँ पर पहुँचे कैसे? तुमको तो किसी ने यहाँ आते जाते हुए भी नहीं देखा। सवाल सवाल सवाल। रिपोर्टरों को इसके अलावा और कुछ आता ही नहीं है। धीरज रखो, सारे सवालों के जवाब वक्त आने पर मिल जाएंगे। कुछ ही देर में घटनास्थल हर तरह के लोगों से भर गया था। सिक्योरिटी फोर्स और न्यूक्लियर पावर स्टेशन वाले भी वहां पर पहुंच गए थे। ओ माय गॉड, इसका रेडिएशन लेवल तो बहुत हाई है। इसको रेडिएशन प्रूफ स्थान पर ले जाना होगा, सुरक्षित स्थान जैसे न्यूक्लियर पावर स्टेशन। लाओ, इसमें मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। पावर प्लांट यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मेरी मानसिक ऊर्जा ज़्यादा खर्च नहीं होगी। सबकी आंखें आश्चर्य से गोल होती चली गई, दृश्य ही ऐसा था। रिएक्टर का शरीर हवा में उठकर पावर स्टेशन की तरफ बढ़ने लगा था। आश्चर्य है, राज के पास ऐसी शक्तियाँ और नागराज गायब। कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, मुझे मैडम भारती को पूरी रिपोर्ट तुरंत देनी होगी। नागराज गायब तो जरूर हो गया था, पर अपने वास्तविक ठोस रूप में आने की भरपूर कोशिश कर रहा था। मुझे रिएक्टर के साथ साथ पावर स्टेशन तक जाना होगा। शायद पावर स्टेशन वाले रिएक्टर के साथ साथ मेरी समस्या का हल भी निकाल सकें, क्योंकि मेरी समस्या भी विकिरण से संबंधित है। मेरे कण अपने आप तो उड़कर वहां तक तो नहीं जा सकते, इसलिए मुझे राज की मानसिक ऊर्जा की मदद लेकर वहां तक पहुंचना होगा। निशा से खबर मिलने के बाद भारती परेशान थी। क्या बात है भारती, मुझे आभास हो रहा है कि तुम परेशान हो। आज तुम ऑफिस में नहीं गई, क्या बात है? सुबह मेरी स्टाफ रिपोर्टर निशा का फोन आया था, नागराज लापता है और राज में कुछ आश्चर्यजनक शक्तियाँ आ गई है। तब से मैं राज का इंतजार कर रही हूँ। सारा दिन गुजर गया पर ना तो राज आया और ना ही उसकी कोई खबर है। चिंता क्यों कर रही हो भारती? राज होगा तो नागराज कहाँ से आएगा? और नागराज में मानसिक शक्तियाँ भी थोड़ी मात्रा में मौजूद है, उसने उन्हीं का प्रयोग किया होगा। वैसी वैसी शक्तियाँ नागराज में नहीं है दादाजी, और वैसे भी वो राज के रूप में किसी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि राज का रूप तो कायरों का रूप है। असली बात तो नागराज से मिलकर ही पता चल सकती है, पर नागराज है कहाँ पर?
नागराज चूर चूर हो चुका है, खत्म हो गया है, और राज को दोबारा कायर कहने की गलती मत करना, वरना ये तुम्हारी आखिरी गलती होगी। राज, तुम आ गए, थैंक गॉड। और ये नागराज खत्म हो गया का क्या चक्कर है? कहीं तुमने रिटायरमेंट लेने की तो नहीं सोच ली? खुद नागराज होकर नागराज को खत्म कर रहे हो? मैं नागराज नहीं हूँ, मैं राज हूँ, और अब मैं तुमको दिखाऊंगा कि नागराज से बेहतर हूँ। राज ऐसे ऐसे काम करेगा कि नागराज उसके सामने कायर लगेगा। ये क्या कर रहे हो राज? अकारण ही भारती पर हमला क्यों कर रहे हो? तुम चुप रहो अंधे, बूढ़े जवानों के काम में दखल नहीं देते हैं। तुम पागल हो गए हो नाग, मेरा मतलब राज, शांति रख। मैं अपने मस्तिष्क को पुलिस ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर रहा हूँ। सभी अपराधों की खबरें आ रही हैं। हेलो, अटेंशन ऑल पेट्रोल कार्स। बैंक ऑफ कॉमर्स की गांधीपुरा ब्रांच से अभी अभी लुटेरे 27 लाख रुपए लूट कर ले गए हैं। सभी लुटेरे अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं। ओवर, वे किस दिशा में भागे हैं ये कोई नहीं देख पाया। सारे इलाके की नाकाबंदी कर दीजिए। ओवर एंड आउट। मिल गया, अब मैं सबको दिखाऊंगा कि राज क्या चीज है। सारी दुनिया पर फैलाऊंगा राज का राज। तुम मेरे साथ चल, अपनी आंखों से सब देख। और वहां से दूर नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट में, कमाल है सर, इसके अंदर तो इतना यूरेनियम भरा हुआ है कि अगर उसका सिर्फ एक बम बनाया जाए तो पूरी पृथ्वी एक ही धमाके से तबाह हो जाए। अब इसका क्या करें? ये यूरेनियम के रेडिएशन पर ही जीता है सर, वही इसकी जीवन ऊर्जा है, और वो ऊर्जा धीरे धीरे खर्च हो रही है। जब इसके शरीर के रेडिएशन का स्तर थोड़ा कम हो जाएगा तब ये अपने आप शक्तिहीन हो जाएगा। हमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वाह, ये यूरेनियम से आणविक ऊर्जा खींचता है, तो ये मेरे कणों में फंसे विकिरण को भी खींच सकता है। नागराज के इच्छाधारी शरीर का स्पर्श रिएक्टर के बेहोश शरीर से हुआ और नागराज तड़प उठा। विकिरण मेरे शरीर से इसके शरीर में जाने के बजाय इसके पास से मेरे पास आ रहा है। मेरे शरीर में विकिरण की मात्रा बढ़ रही है। नागराज ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को रिएक्टर से अलग कर लिया। उफ, मैं तो भूल ही गया था कि ऊर्जा का बहाव हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ होता है, और रिएक्टर के शरीर में विकिरण की मात्रा बहुत ज़्यादा है। अब मैं क्या करूँ? क्या सचमुच मुझे हमेशा के लिए इसी रूप में रहना पड़ेगा? नागराज के इस रूप में पहुंचाने वाला भारती के साथ तेजी से एक तरफ बढ़ रहा था। हाँ, मैं उन अपराधियों को ढूंढ रहा हूँ, अब वे मुझसे नहीं बच पाएंगे। मैं धीरे धीरे इस दिमाग पर कंट्रोल पा रहा हूँ। वाह, दिमाग पर कंट्रोल पा रहे हो? यानी अब तक तुम्हारा दिमाग पर कंट्रोल नहीं था? खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम अपराधियों को ढूंढोगे कैसे? हम अभी बैंक की गांधीपुरा ब्रांच से होकर आ रहे हैं, पर वहाँ तो ऐसा कोई क्लू नहीं मिला जो ये बता सके कि अपराधी गए कहाँ हैं। मिला है ना, उन अपराधियों की ब्रेन वेव्स मिली है, और फिंगरप्रिंट्स की तरह सबकी ब्रेन वेव्स भी अलग अलग होती है। मैं अपनी ब्रेन वेव्स के जरिए उन अपराधियों के ब्रेन वेव्स को पकड़ लिया है। अब मैं उनके छिपने के स्थान पर जाकर उनको भी पकड़ लूँगा। जल्द ही तुम्हारे अनुसार वे लुटेरे इस टीले के अंदर छिपे हैं। वाह, इस जगह तो उनको सचमुच कोई भी नहीं ढूंढ सकता था। तो देखती जा कि अब मैं उनके साथ क्या करता हूँ। दादू, एक आदमी इधर ही आ रहा है, शायद उसे हमारे ठिकाने का पता चल गया है। यानी यमराज को इसकी आत्मा की जरूरत आ पड़ी है। इसको उसी थर्मल लेसर गन से उड़ा दो जिससे हमने बैंक का स्ट्रॉन्ग रूम काटा था। अच्छा, मुझ पर हमला करोगे? करो करो, मुझे जितनी एनर्जी दोगे मेरा पेट उतना ही भरेगा। मारो मारो। ओह, स्ट्रांग रूम को इसी गन से काटा गया होगा। यानी स्टील को गला देने वाली एनर्जी से राज का पेट भरता है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। राज के मानसिक किरणों ने पूरी खोखली पहाड़ी को ऐसे काटना शुरू कर दिया जैसे सेव को चाकू काट डालता है। भागो, ये कोई शैतान है। भागोगे? मुझसे बचकर भागोगे?
अरे मूर्खो, सिर्फ मौत ही तुमको मुझसे छिपा सकती है। ये क्या कर रहे हो राज? ये सिर्फ मामले लुटेरे हैं और तुम इनको जान से मार रहे हो। रुक जाओ, तुम सचमुच अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हो। अय्या, तुम मुझको रोकने की कोशिश करेगी? ले, मैं तेरा भी वही हाल करता हूँ जैसा मैंने उस लुटेरे का किया है। फिर आराम से बाकी दोनों का पीछा करूँगा। घातक उस फकीर ने भारती को सुलगा देने के लिए आगे लपकी, लेकिन जब वो भारती तक पहुँची तो भारती अपनी जगह पर नहीं थी। उसे बचा लिया गया था। नागराज, तुम और राज अलग अलग, ये क्या चक्कर है? लंबी कहानी है भारती, बाद में बताऊंगा। फिलहाल तो तुम यहां से निकल लो। नागराज, तू बच कैसे गया? तेरा बचना तो असंभव था। कोशिश तो मैंने बहुत की पर सारी कोशिश विफल हो गई। मिस्टर राज, पावर हाउस तक जाकर भी काम नहीं बना। तब मुझे ध्यान आया कि विकिरण को रोकने के लिए लेड यानी शीशा की चादरों का प्रयोग किया जाता है। जिस कक्ष तक रिएक्टर को तुमने पहुंचाया था उसकी दीवार भी लेड की ही बनी थी। बस मैंने वो करने की ठान ली जो मैंने आज तक नहीं किया था। मैंने लेड की दीवार को छलनी की तरह इस्तेमाल करने की सोची। इससे पहले मैंने कभी भी अपने इच्छाधारी कणों को कोई दीवार पार करने की कोशिश नहीं की थी। इस काम में मुझे तकलीफ भी हुई और मुझे इच्छा शक्ति भी बहुत लगानी पड़ी, पर आखिरकार मेरे कण दीवार के अणुओं के पार आर पार हो गए और विकिरण के कण दीवार में फंस कर रह गए। बाहर आते ही मैंने फिर से अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया और अपने जासूस सर्पों से तुम्हारा पता लगवा कर यहाँ तक आ पहुँचा, और वो भी एकदम ठीक समय पर। मैं तुमसे फिलहाल झगड़ना नहीं चाहता नागराज। अभी मुझे बाकी बचे दो अपराधियों के पीछे जाना है ताकि तुम उनको भी इसके जैसा हाल कर सको। ताकि तुम उनका भी इनके जैसा हाल कर सको। वैसे उनकी चिंता छोड़ दो, उनको मेरे जासूस सर्पों ने अपने कब्जे में ले लिया है। जल्दी पुलिस भी उनको अपने कब्जे में ले लेगी और तुम मेरे कब्जे में आओगे। वे मेरे शिकार हैं, मैंने ढूंढा है उनको। उनको मेरे अलावा और कोई नहीं पकड़ेगा। ध्वंसक सर्प इस पर कोई असर नहीं डाल रहे हैं। इसको कैद करने के लिए विशेष नागफनी सर्पों का प्रयोग करना पड़ेगा। तेरी हर शक्ति अब मुझ पर बेअसर होगी नागराज, क्योंकि अब मैंने अपने दिमाग पर बहुत कंट्रोल कर लिया है। देख, मैं हवा के अणुओं को जोड़ जोड़ कर अब कुछ भी बना सकता हूँ। नागफनी सब इसको अपने बंधन में नहीं ले रहे हैं, शायद इसलिए क्योंकि ये मेरा रूप है। पर इसकी ये नई शक्ति तो आश्चर्यजनक है। ये हवा से भाले पैदा कर रहा है और उनका प्रयोग मुझे इस दीवार से चिपकाने के लिए कर रहा है। हाँ, तो ठीक सोच रहा है, पर मैं तुझे सिर्फ चिपकाऊंगा ही नहीं बल्कि ऐसा इंतजाम भी कर जाऊंगा कि तू दीवार में पोस्टर की तरह तब तक चिपका रहे जब तक तू मर ना जाए। मैं तुझे एक आण्विक खोल में ढक दूंगा, क्योंकि इस कैद से या तो तू इच्छाधारी कणों में बदल कर आजाद हो सकता है और या फिर शारीरिक शक्ति लगाकर। ये खोल तुझे बाहर तो निकलने देगा नहीं, और अगर तूने इच्छाधारी कणों में बदलने की कोशिश की तो तेरा फिर से वही हाल हो जाएगा जिससे बचकर तो अभी अभी आया है। मेरे ख्याल से तू दोबारा वैसी तकलीफ झेलना नहीं चाहेगा। पर तुम हो कौन? तुम राज तो नहीं हो सकते, क्योंकि राज के पास ऐसी चमत्कारी शक्ति है ही नहीं। अब तुझे ये बताने में कोई खतरा नहीं है कि मैं कौन हूँ, क्योंकि अब मेरा इस दिमाग पर 90% कंट्रोल हो चुका हूँ। मैं सी थ्रू हूँ नागराज, वही जिसने तेरी इच्छाधारी शक्ति सोखने की कोशिश की थी और उसी चक्कर में गुब्बारे की तरह फटकर खिल खिल हो गया था मैं। तब से मेरे कण महानगर के वातावरण में इधर उधर मारे मारे घूम रहे थे, लेकिन तेरी और रिएक्टर की लड़ाई से महानगर का वातावरण मानसिक और आण्विक तरंगों के एक अजीबोगरीब मिश्रण से भर गया था। उसी मिश्रण ने मेरे कण को इधर उधर से खींच खींच कर वहीं एकत्रित कर दिया जहाँ पर तुम दोनों लड़ रहे थे। मेरे कण तो जुड़ गए थे पर मेरे पास शरीर नहीं था, वही पुरानी समस्या थी। पर इस बार मेरे कण शरीर में मानसिक और आण्विक शक्ति के जोड़ थे और इसमें मुझ में कुछ अद्भुत शक्तियाँ आ गई थी।
मैंने पहले की तरह तुम्हारे दिमाग को टटोलना शुरू कर दिया, बड़ी सावधानी पूर्वक। और तभी मुझे वे मस्तिष्क सेल मिले जिनमें राज की मेमोरी थी। चूंकि तुम उस वक्त उनका प्रयोग नहीं कर रहे थे, इस कारण उनको चुराना संभव था। अपनी नई शक्तियों की मदद से मैंने वे सेल चुरा लिए। याद करो, उस वक्त तुमको सिर में एक तेज दर्द भी हुआ था। उन सेलों ने मेरा रूप पहले ही निर्धारित कर दिया था। उन सेलों ने वायु कणों द्वारा मेरे शरीर का निर्माण करना शुरू कर दिया। और कुछ ही मिनटों में राज नागराज के शरीर से बाहर खड़ा था, और उसके पास एक ऐसा शरीर था जिसमें जबरदस्त आण्विक और मानसिक शक्तियाँ थी। अगर ऐसा था तो मेरे मस्तिष्क से राज की मेमोरी खत्म हो जानी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं हुआ। वो इसलिए क्योंकि राज के कार्यकलापों की मेमोरी तुम्हारे दिमाग के कई दूसरे शहरों में भी स्थित है। खैर, अब सिर्फ कपड़े चाहिए थे। भाई, शर्म तो आ रही थी ना। मैंने तुम्हारे राज वाले कपड़े भी खींच लिए और बन गया पूरा राज। तब से मैं तुम्हारे दिमाग के सेलों पर कंट्रोल पाने की लगातार कोशिश कर रहा हूँ, और मेरा कंट्रोल 100% पूरा होते ही ये शरीर परमानेंटली यानी अस्थायी तौर पर मेरा हो जाएगा। चलो, तुम्हारी जिज्ञासा तो खत्म हुई, अब तुम भी शांति से खत्म हो सकोगे। मैं तो चला इस दुनिया पर राज का राज फैलाने, पर मैं ऐसा क्या करूं कि सारी दुनिया अपने आप बचाओ बचाओ कहकर मेरे सामने घुटने टेक दे, मुझे भगवान बना दे। ऐसा तो तभी संभव है जब मैं इनको दुनिया नष्ट करने की धमकी दूं। पर दुनिया नष्ट करने में मेरी बहुत ऊर्जा खर्च हो जाएगी। हाँ, समझ गया। रिएक्टर, मैंने नागराज के दिमाग में अभी अभी पढ़ा था कि पावर प्लांट बनाने वाले ये कह रहे थे कि रिएक्टर के अंदर इतना यूरेनियम भरा है कि इससे अगर सिर्फ एक बम बनाया जाए तो वो बम पूरी दुनिया को एक साथ खत्म कर सकता है। अभी बुलवाता हूँ उसको अपने पास। ओफ, ये आग से खेलने जा रहा है। अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो गई और रिएक्टर सचमुच बम की तरह फट गया तो सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। मुझे इस कैद से आज़ाद होकर इसको रोकना होगा। पर कैसे? मेरा बदन तो दीवार से चिपका हुआ है और ऊपर से आण्विक खोल ने मुझे ढका हुआ है। महानगर वासियों के नागराज के कारण अद्भुत नज़ारे तो अक्सर देखने को ही मिलते रहते हैं, पर आज का नज़ारा कुछ ज़्यादा ही विचित्र था। उड़ी पापा, मम्मी, लुक, एक आदमी उड़ रहा है। हे भगवान, क्या मुसीबत आने वाली है! ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। सबकी निगाहें उड़ते हुए रिएक्टर का पीछा करती करती वहाँ पर जा रुकी जहाँ पर रिएक्टर जा थमा था। आ गया मेरा हथियार, उठा लाया मैं इसको नरोरा पावर प्लांट से। अब ध्यान से सुनो महानगर वासियों, और इस खबर को पूरे संसार में फैला दो। तुम्हारे सामने जो हवा में लटका खड़ा है वो दिखने में तो इंसान है, पर है एक ऐसा भयंकर परमाणु बम जिसका धमाका पूरी दुनिया से सभ्यता का नामो निशान मिटा देगा। और अगर इसके बारे में किसी को शक हो तो वो नरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन वालों के पास जाकर अपना शक दूर कर सकता है। कैमरा इसी पर फोकस रखना, एक भी सीन मिस ना हो। रिलैक्स निशा नहीं होगा। उड़ते आदमी के पीछे रिपोर्टर भी घटनास्थल पर पहुंच गए थे और सारी दुनिया वाले इस न्यूज़ फ्लैश को आंखें फाड़े देख रहे थे। और इस बम को सिर्फ मैं ही एक्टिवेट कर सकता हूँ और मैं ही फटने से रोक भी सकता हूँ। एक्टिवेट होने और फटने के बीच का फासला सिर्फ आधे घंटे का है। माई गॉड, तुरंत न्यू दिल्ली से चेक करो कि इस बात में कितनी सच्चाई है। रिपोर्ट तुरंत आई है मिस्टर प्रेसिडेंट, खबर 100% सच है। इस आधे घंटे के अंदर अंदर इस दुनिया के सभी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को मेरी अधीनता स्वीकार करनी होगी, वरना ना रहेगी दुनिया, ना रहेंगे राष्ट्र और ना रहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। हर राष्ट्रीय अध्यक्ष को सिर्फ ये सोचना होगा कि उसने मेरी गुलामी स्वीकार कर ली है। उसके विचार तरंगे अपने आप मेरे पास पहुंच जाएगी। अब मैं इस बम को एक्टिवेट कर रहा हूं। राज के हाथों से न्यूट्रॉनों की बौछार निकलकर रिएक्टर के शरीर में घुसती चली गई। बम एक्टिवेट हो गया। पूरी दुनिया में बदहवासी सी फैल गई। ओह, ये भगदड़ देखकर लग रहा है कि राज ने अपनी धमकी पर अमल कर दिया है। मुझे इस कैद से आज़ाद होना ही होगा, पर कैसे? मेरा बदन दीवार से चिपका हुआ है और ऊपर से आण्विक अवरोध ने मुझे ढक रखा है।
दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं से भी निकलने की कोई जगह नहीं है, सिर्फ एक ही जगह बसती है और वो दिशा है पीछे वाली। नागराज के सूक्ष्म सर्पों ने भालों से हुए छेदों के रास्ते निकलकर दीवारों के संधियों को खोद दिया और पीछे वाली रुकावट हटते ही नागराज ने आजाद होने में एक पल का समय भी व्यर्थ नहीं किया। ओ, ये तो सचमुच फटने वाला है, यानी दुनिया वालों के सामने दो ही रास्ते बचे हैं, या तो सीथ्रो की गुलामी कबूल करें या नष्ट हो जाएं। इसको फटने से रोकना होगा, और ये काम कैसे किया जा सकता है ये सिर्फ एटॉमिक पावर एक्सपर्ट ही बता सकते हैं जल्दी नरोरा पावर प्लांट पे। अब कुछ भी नहीं किया जा सकता नागराज, कोई भी एटम बम एक्टिवेट होने के बाद रुकता नहीं, सिर्फ फटता है। वैसे भी 20 मिनट तो गुजर हो चुके हैं, जिंदगी के सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, कम से कम उनको तो शांति से गुजार दो, जाओ। नहीं मिस्टर शर्मा, ये सृष्टि पागलों की जागीर नहीं है जिसे बिना बात के नष्ट कर दिया जाए, ये भगवान की देन है, ये बचेगी और जरूर रास्ता है, एक रास्ता है मिस्टर शर्मा, आइए मेरे साथ और मुझे जो चीज़ चाहिए वो मुझे दीजिए, समय बहुत कम है। पर तुमको चाहिए क्या चीज़ नागराज? 5 मिनट के अंदर अंदर नागराज रिएक्टर के पास पहुंच चुका था। इसके शरीर से निकलने वाली विकिरण में बहुत ज़्यादा तीव्रता है और गर्मी है, मैं अपने होश व हवास कायम नहीं रख पा रहा हूँ, पर मैं जो काम करने आया हूँ उसे तो करना ही पड़ेगा। 5 अरब इंसानों और अन्य अरबों जीवों की जान दांव पर लगी है, मेरे सूक्ष्म सर्प भी तेजी से मर रहे हैं और मेरी सर्परस्ती को बनाने वाले नाग भी खत्म हो रहे हैं, उतरने की कोई जगह ढूंढनी होगी। कमाल है नागराज, तो जेल तोड़कर भागने वालों का भी लीडर लगता है, मैं तुझे हर बार बंद करके आता हूँ और तू हर बार मेरी कैद से फरार हो जाता है, अब की बार तू मरने से पहले ये क्या लेकर आ गया, तेरी आखिरी पूजा का सामान है क्या इसमें? तो सिर्फ कर्म कर सकते हो राज, फल देना ऊपर वाले का काम है और तुमको हर बार जो फल मिल रहा है उसे तुम देख ही रहे हो, और इस ड्रम में मेरी तो नहीं पर रिएक्टर की आखिरी पूजा का सामान जरूर है। गर्मी से सारा बदन झुलस रहा है, ये उष्मा मेरी चमड़ी को उधेड़ दे रही है, पर मुझे अपने होश व हवास कायम रखने ही होंगे, अपना काम पूरा करना ही होगा। डायरेक्टर शर्मा ने कहा था कि ये ड्रम और पाइप उसी धातु के बने हैं जिससे अंतरिक्ष में जाने वाली रॉकेट की बॉडी बनाई जाती है, ये 3000 तक डिग्री का तापमान सह सकते हैं। अब इस पाइप को एक ही दिशा में रिएक्टर के मुंह में घुसाना है। क्या है इसमें? रिएक्टर के मरने से पहले इसके मुँह में गंगा जल डाल रहा है क्या? ये जल तो जरूर है लेकिन गंगा जल नहीं, इसको भारी जल कहते हैं, यानी हैवी वाटर। इसका प्रयोग नाभिकीय प्रक्रिया को नियंत्रित करने में किया जाता है और जब यह भारी जल रिएक्टर के अंदर पहुंचेगा तो रिएक्टर के शरीर में अनियंत्रित हो रहे न्यूक्लियर रिएक्शन को भी नियंत्रण में ले आएगा, फचाक, क्योंकि ये उन न्यूट्रॉनों को या तो सोख लेगा या रोक लेगा जिनके कारण ये प्रतिक्रिया आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। देखा, अब तो महाघातक हथियार रिएक्टर अब तेरा महाघातक हथियार रिएक्टर बम से सचमुच का रिएक्टर बन गया है। तूने मेरी एक योजना को बेकार कर दिया है नागराज, लेकिन मेरे पास ऐसी कई योजनाएं हैं। मैं चाहता तो था कि जब राज दुनिया पर राज करे तो तू उसे जरूर देखे, पर शायद ये देखना तेरी किस्मत में नहीं है। अब मेरी दूसरी योजना की शुरुआत तेरी मौत से होगी। गीदर भक्किया मत दे राज, तुम्हारे पास मुझे मारने के लिए बहुत मौके थे पर हर बार तुमने मुझे ऐसी हालत में ही छोड़ा जिसमें मैं फंसा तो रह सकता था पर मर नहीं सकता था। तुम मुझे मारना नहीं चाहता, कारण क्या है ये मैं नहीं जानता, पर मुझे मारने में तुम्हारा कुछ नुकसान जरूर है। इस भ्रम में मत रहना नागराज, मेरी दया को मेरी कमजोरी समझने के भूल मत कर, मैं तुझे मारूंगा, ज़रूर मारूंगा और वो भी तड़पा तड़पा कर।
ये झूठ बोल रहा है। ये चाहे तो मुझे मारने के लिए घातक मानसिक या आणविक वार कर सकता है, पर ये ऐसा नहीं कर रहा है। शायद यही इसकी एकमात्र कमजोरी है, परंतु इसका कारण क्या हो सकता है? ये कह रहा था कि अपने दिमाग पर इसका कंट्रोल सिर्फ 90% है, यानी मेरे मस्तिष्क के चुराए गए सेल अभी भी कुछ हद तक मेरे कंट्रोल में है, और अगर ये मुझे मार देगा तो मेरे साथ साथ मेरा मस्तिष्क भी मर जाएगा, और साथ ही साथ मेरे मस्तिष्क के चोरी हुए वाले सेल भी मर जाएंगे, और ऐसा होने से ये राज भी खत्म हो जाएगा और इसका पूरा अस्तित्व मेरे सेलों पर ही आधारित है। तो एकदम सही सोच रहा है नागराज, मैं तुझे सिर्फ तभी तक नहीं मार पा रहा हूँ जब तक तेरे सेलों पर मेरा नियंत्रण 100% ना हो जाए, और उससे पहले मैं तुझे मरने भी नहीं दूंगा। तू आत्महत्या करके मुझे ख़त्म करना चाहे तब भी नहीं। मैं जो भी सोचता हूँ उसको ये तुरंत पढ़ लेता है, और मुझे कुछ भी योजना बनाने का मौका नहीं मिलता। ओफ, मुझे भी क्या सूझी थी राज बनने की, ना मैं राज बनता और ना ही राज का पात्र दुनिया के सामने आता, और तब ना ही राज मेरे शरीर से अलग होकर ये तबाही मचा पाता। अब मैं राज को भला कैसे मार सकता हूँ? आहा, हाँ, यस, मार सकता हूँ। अब तेरे मस्तिष्क सेलों पर मेरा कंट्रोल 99% हो चुका है, सिर्फ 1% की कमी है। 1-2 मिनटों के अंदर वो कमी दूर हो जाएगी, और फिर ये शरीर अस्थायी तौर पर मेरा हो जाएगा, और उसके बाद मुझको तेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बता, अपने ज़िंदगी के आखिरी 2 मिनट में तो क्या करना चाहता है? अपने कपड़े, चश्मा और जूते वापस लेना चाहता हूँ। अच्छा मजाक कर लेता है, यानी तू हंसते हंसते मरना चाहता है? ये कोई मजाक नहीं है, मेरे दिमाग को अब पढ़कर देख राज, और देख उसमें क्या है। राज ने तुरंत नागराज के दिमाग को पढ़ना शुरू कर दिया, और नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे सिर्फ आधे मिनट की ज़रूरत है, सिर्फ आधे मिनट की, फिर मैं अमर हो जाऊँगा। अमर तो तू तब होगा जब तू अस्तित्व में रहेगा राज। इसे मारने का तरीका मुझे शीशे में अपना चेहरा देखकर समझ में आ गया। मैंने तुरंत अपने आप को खुद ही शीशे में देखकर सम्मोहित किया, और अपने आप को राज का साक्षियत भूल जाने का आदेश दे डाला। और रही जब राज ने मेरा मस्तिष्क पटकर जानी कि राज तो कहीं है ही नहीं और यही बात जब राज ने मेरा मस्तिष्क पढ़कर जानी कि राज तो कहीं है ही नहीं, तो मेरे चोरी हुए मस्तिष्क सेलों से भी राज की मेमोरी साफ हो गई, और उस मेमोरी पर आधारित राज का शरीर भी खत्म हो गया। अब सी थ्रू फिर से सी थ्रू बन गया है, यानी आर पार दिखाई देने वाला। और फिर निशा, इस कुत्ते को भगाओ ना। थैंक गॉड कि तुम फिर से पहले वाले डरपोक राज बन गए। पर तुमको हुआ क्या था? तुमने नहीं सुना? अरे, नागराज ने सबको बताया है कि उसके एक दुश्मन ने मुझे अपने वश में करके ये सब करवाया था। मेरी कोई गलती नहीं थी। अगर नागराज मुझे नहीं बचाता तो ये तो राज का हो जाता समाप्त। तो इसी के साथ ये कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।